शुक्र अदा करता हूं कि आपने यहां तशरीफ लाया और हमारी चंद बातें आप सुनेंगे। जैसे आपने सुना कि मैं 50 साल कांग्रेस में रहा हूं, 50 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा और 4 दफा मैं मिनिस्टर रहा। पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई और मुझसे भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया और 2 महीने के लिए जैसे वनगोपाल जी ने कह दिया है कि वीर था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और मैं माफी मांगता हूं कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और अपनी पार्टी को। और मैं तकरीबन ये 2 महीने मैंने नींद नहीं की है और ऐसा मुझे दबाव था, न सिर्फ लोगों का बल्कि अपने परिवार का भी, क्योंकि एक वालेहाना मोहब्बत है गांधी फैमिली का और जम्मू कश्मीर के लोगों का, और आज भी प्यार करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग गांधी फैमिली को। जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों के साथ हमदर्दी और तरक्की के राह पर गामजन किया, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कभी भूल नहीं जाए। जरूरत है इस बात की कि पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में जहां आजकल आतंकवाद चल रहा है और कोई कमी नहीं आई है, पिछले 8 साल से मैं समझता हूं कि आतंकवाद बढ़ गया है, कमी नहीं आई है। ये सेकुलरिज्म मुल्क में सेकुलर ताकते और जम्मू कश्मीर में सेकुलर ताकते मजबूत होने की जरूरत है। इसमें हमारी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ रोल है। राहुल जी का जो जनसैलाब निकला हुआ है, उस जनसैलाब में शामिल होने के लिए डीएपी के लीडर्स हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं पार्टी में, और सुबह का बुला शाम को घर आता है तो उनको बुलाने कहते हैं। वैसे सब लोग उनको रियलाइज हुआ है कि हमारी पार्टी, हमारी पहचान कांग्रेस ही है, इसलिए कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया है। ताराचंद जी हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम है, जो स्पीकर भी थे, लीडर ऑफ सीएपी भी थे और स्टेट जब डीएपी था तो इसके वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस चेयरमैन। पीरजादा मोहम्मद सईद फॉरवर्ड पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 3 टाइम के मंत्री रह चुके हैं और डीएपी के एक्स वाइस चेयरमैन हैं। ठाकुर बलवंत सिंह फॉरवर्ड एमएलए हैं और वो एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी के हैं। मोहम्मद मुजफ्फर परे जो फॉरवर्ड एमएलसी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे डीएपी के। मोहिंदर भारद्वाज जी एडवोकेट हुए, मोहिंदर भारद्वाज जी जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और 3 टाइम प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन की जम्मू कश्मीर और लड़ाख के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भूषण डोगरा जी फॉर्मर वाइस चेयरमैन, वो शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मिनिस्टर स्टेटस उनका था। श्री विनोद शर्मा जी एक चेयरमैन कांग्रेस सेवा दल, एक जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीएपी। नरेंद्र शर्मा एक जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक जनरल सेक्रेटरी डीएपी। नरेश शर्मा 2 टाइम्स एक्स चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल कछुआ जो है, जिससे राहुल जी की यात्रा आएगी शुरू होगी, वहां के बाहर उस सिटी के वो 2 बार म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। अमरीश मगोत्रा एक्स चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल कटरा, वैष्णो देवी का नाम आपने सुना होगा, कटरा जाना पड़ता है तो कटरा के ये म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे। सुभाष भगत एक्स प्रेसिडेंट बीसीसी सांबा, एक जनरल सेक्रेटरी डीएपी। संतोष मनहस सेक्रेटरी डीएपी। बद्रीनाथ शर्मा एक्स फाउंडर मेंबर ऑफ डीएपी। वरुण बलगोत्रा जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ कांग्रेस एंड
सीनियर यूथ लीडर डीएपी, अनुराधा शर्मा महिला उनके डीएपी के महिला कांग्रेस की डीएपी की महिला की लीडर, विजय दरगोटा ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन ईरानगर, श्रीमती चंद्र प्रभा शर्मा महिला लीडर डीएपी। तो ये सब लोग आज हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे वेणुगोपाल सर ने कहा कि ये छुट्टी के लिए गए थे और 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वापस आ गए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से वातावरण, क्योंकि मैं हर 4 दिन के बाद जाती हूँ जम्मू कश्मीर, एकदम वहाँ पे माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि वहाँ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। जैसे हमारे लोगों ने संपर्क किया तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन करेंगे यात्रा, परसों भी उन्होंने यूपी में ज्वाइन करी थी, और उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर में उनको वेलकम करेंगे, हमारे तारीगामी जी कम्युनिस्ट पार्टी के वो भी करेंगे, महबूबा मुफ्ती जी ने भी सम्मति दी है और बहुत आनंद से बोला है कि हम सम्मिलित होंगे, और मुजफ्फर शाह जो है अवामी नेशनल लीग के, तो वो भी शामिल होंगे। तो लाइक माइंडेड सभी लोग इसमें शामिल होंगे और आप सोच भी नहीं सकते शुरुआत बाहर से। द पीपल फ्रॉम ऑल लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज आर ज्वाइनिंग अस इन जम्मू एंड कश्मीर, लाइक फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, दोस पीपल आर ऑल ज्वाइनिंग अस। दिस यात्रा बिकम, आई टोल्ड, दिस यात्रा बिकम ए बिग मूवमेंट इन दिस कंट्री। इफ एनीबडी हैव ए कांग्रेस माइंड इन दिस अर्थ कैन नॉट सिट आइडियली, दैट इज व्हाई ऑल दिस लीडर्स who left us 2 months before took a strong decision to come back in the party organization, the Indian National Congress, and to walk with Rahul Gandhi and to make the Bharat Jodo Yatra in a great program in Jammu and Kashmir. I would like to welcome Shri Tarajan ji, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Pirzada Muhammad Said, former PCC President and 3-time Minister of Jammu and Kashmir, Thakur Belwar Singh, former MLA, Muhammad Mujaffar Bare, Mohinder Badwa, Bhushan Dwagra, Vinod Sharma, Narendra Sharma, Naresh Sharma, Ambrish Magrota, Subhash Bhagat, संतोष मनहास, बद्रीनाथ शर्मा, वरुण मगोत्रा, अनुराधा शर्मा, विजय तरगोत्रा, श्रीमती चंद्र प्रभा शर्मा, 17 बिग लीडर्स, दिस आर ऑल। आई विल रिक्वेस्ट रजनी जी टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द प्रोफाइल, बट you can see that ex-deputy chief minister, ex-PCC president, all other ex-MLAs, those who went 2 months before from our party are coming back. This is only a beginning. Not only these people, I think when Yatra is entering into Jammu and Kashmir, all people, those who are believing in Congress ideology or believing United India is the need of the hour, will join this Yatra. Therefore, on behalf of All India Congress Committee and on behalf of Honorable Congress President, I am sincerely welcome all of these leaders. These leaders, I think they are taken a leave for 2 months from the party, and now they are already joined back. Thank you. शुक्र अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाया और हमारी चंद बातें आप सुनेंगे। जैसे आपने सुना कि मैं 50 साल कांग्रेस में रहा हूं, 50 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा और 4 दफा मैं मिनिस्टर रहा।
पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई और मुझसे भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया और दो महीने के लिए जैसे मनगोपाल जी ने कहा दिया है कि लीव था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और मैं माफी मांगता हूं कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और अपनी पार्टी को। और मैं तकरीबन ये दो महीने मैंने नींद नहीं की है और ऐसा मुझे दबाव था, न सिर्फ लोगों का बल्कि अपने परिवार का भी, क्योंकि एक वालेहाना मोहब्बत है गांधी फैमिली का और जम्मू कश्मीर के लोगों का, और आज भी प्यार करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग गांधी फैमिली को। जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों के साथ हमदर्दी और तरक्की के राह पर काम कर किया, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कभी भूल नहीं जाएंगे। जरूरत है इस बात की कि पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में जहां आजकल आतंकवाद चल रहा है और कोई कमी नहीं आई है, पिछले 8 साल से मैं समझता हूं कि आतंकवाद बढ़ गया है, कमी नहीं आई है। ये सेकुलरिज्म मुल्क में सेकुलर ताकते और जम्मू कश्मीर में सेकुलर ताकते मजबूत होने की जरूरत है। इसमें हमारी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ